हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। एसएससी स्मार्ट क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका। आने वाले एग्जाम के लिए, जैसे आपका सीपीयू वगैरह के एग्जाम है या फिर अलग अलग शिफ्टों के एग्जाम है, एनालिसिस के लिए आप आज ही सब्सक्राइब करें एसएससी स्मार्ट क्लासेस को। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट मैंने बनाए हैं एडवांस मैथ्स, स्पेशली ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। बात कर लेते हैं आज की। इससे पहले अगर आपने दो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो है आपकी जीके सेक्शन की, इंग्लिश सेक्शन की। आज मैं आपको मैथ्स का पूरा एनालिसिस आपको बताऊँगा कि मैथ्स के पेपर में किस किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए, अगर मैं मैथ्स के पेपर के एनालिसिस की बात करूं, कंपेयर करूं कि जो पहले एसएससी सीफी से जो कंडक्ट करवाती थी और टीसीएस ने जो कंडक्ट करवाया, उसमें मेन चीज़ देखने को मिली है सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन हैं वो आपके काफ़ी देखने को मिले हैं। जैसे टीसीएस जो होती है आपके, वो आपके बैंकिंग सेक्टर में क्या करती है, आपकी कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा करवाती है, आपके बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, आपसे सोल्व करवाने वाले ज़्यादा क्वेश्चन करवाती है, आपको स्टेटमेंट दे दिए और मतलब आपको मैथ्स की वो दे दिए। ठीक है, आपको काफ़ी लंबे लंबे से, ठीक है, और उसको सोल्व करो, ठीक है, सिंप्लीफाई करो। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के बाद उसमें अरिथमेटिक सेक्शन में काफ़ी कुछ क्वेश्चन जो हो आपको देखने को मिले, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको सीधा जो है वो 2 ईयर या 3 साल का आपको इस तरह से नहीं दिया, आपको फ्रैक्शन की पार्ट में दिया, जैसे 2.5 साल। ठीक है, और इसमें मैंने आपको बताया है कि किस तरह से ये सोल्व करना है, अगर इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट हो और इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट हो तो आपको किस तरह से ये चेंज करना है। ठीक है, मंथ्स को जो है वो आपने टोटली ईयर में कैसे बनाना है, और फ्रैक्शन पार्ट के लिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के किस तरह से क्वेश्चन करने हैं सॉल्व। एक आपके रिकरिंग जो सेक्शन के क्वेश्चन होते हैं, रिकरिंग पार्ट, जैसे 6.77, इस पर बार लगा दिया। ठीक है, इसको आपको इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन के पार्ट में लिखने, तो इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। नंबर सिस्टम से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया होगा, नंबर सिस्टम से रिलेटेड आपके इस तरह के क्वेश्चन आए हैं, जैसे सम ऑफ टू नंबर्स आपको दे दिया, सम ऑफ टू नंबर्स आपको दे दिया, सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आपको दे दिया। ठीक है, तो ए और बी की वैल्यू बताओ, तो इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। एचसीएफ निकालना आया हुआ है, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, HCF एंड LCM ऑफ फ्रैक्शन, इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। DI से कोई क्वेश्चन नहीं है आपका, एलजेब्रा पार्ट से कोई क्वेश्चन नहीं है, और जो आपके एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन होते थे उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन नहीं पूछे हुए हैं, मतलब इतना फोकस अभी नहीं कर रहा है। आने वाले शिफ्टों में मुझे नहीं पता कि क्या कुछ होगा, लेकिन CPO वाले और जो CHSL का पैटर्न वो लगभग इसी तरह के ही होगा। आपके DI के क्वेश्चन नहीं है, एलजेब्रा के नहीं है, क्वाड्रेटिक के नहीं है, और ज्योमेट्री में तो बिल्कुल हल्का हल्का सा क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे एक स्क्वेयर में से आपको एक सर्कल काट दिया। ठीक है, इस तरह से सर्कल काट दिया, तो ये जो बचा हुआ पार्ट है, ठीक है, इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है, इस तरह का क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। सो ये ज्योमेट्री का पार्ट है, चीटिंग इसमें बिल्कुल देखने को नहीं मिली है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से, हाँ ट्रिग्नोमेट्री से भी आपका कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, ट्रिग्नोमेट्री से आपका कोई क्वेश्चन। तो मैथ्स को हम बोल सकते हैं थोड़ा सा बैंकिंग पैटर्न को इन्होंने फॉलो किया हुआ है। ठीक है, मैथ्स में हम बोल सकते हैं ओवरऑल, अगर कंक्लूजन की मैं बात करूं, ठीक है, तो इससे नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको रीजनिंग का भी पूरा करवा देता हूं। ठीक है, रीजनिंग का क्या आया है, जो चेंज क्या कुछ चेंज देखने को मिला है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।